आज बहुत से लोग किताबे मुकद्दस की इब्रानी जुबान को सीखना चाहते हैं, लेकिन ये इनको बहुत मुश्किल और उकता देने वाली मालूम होती है और वो इससे खौफजदा होकर बेदिल हो जाते हैं और मंजिल तक पहुंचने से पहले ही हार मान लेते हैं। और कुछ जो इसको थोड़ा बहुत सीख जाते हैं उन्हें उसको याद रखने और इस्तेमाल में लाने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। दरहकीकत इस दुनिया में ज़्यादातर लोगों को ज़ुबान सीखने के लिए किताब पढ़ने और मुख्तलिफ असूलों को याद रखने की ज़रूरत नहीं, इसके बरक्स वो ज़ुबान को सुनकर और बोलकर बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। बहुत कम लोग रवायती ग्रामर के निसाब के ज़रिए कामयाबी हासिल कर पाते हैं। हर एक शख्स की अलग फितरत है। बच्चा फितरती तरीके से अपनी मादरी ज़ुबान को बोलकर सीखता है। अगर आप इस बारे में सोचें कि जब आप बच्चे ही थे तो आपके वालिदैन ने आपको हरूफ तहज्जी और ग्रामर के ज़रिए ज़ुबान से मुतारिफ़ नहीं करवाया था, वो आपसे बोलते थे और आप उनको सुनते थे और आपने समझना शुरू किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा आपने बोलना शुरू कर दिया और फिर आप ज़ुबान के हरूफ तहज्जी के लिए तैयार हो गए। अलिफ़बत कोशिश करते हैं कि वो आपको किताब मुक़दस की इब्रानी इस ही कामिल ज़हनी मशगूलियत के तरीके से सिखाएं कि आप वीडियो को देखें तो आहिस्ता आहिस्ता आप में इब्रानी को समझने की सलाहियत पैदा हो। ज़ुबान को सीखने का ये कुदरती तरीका बहुत खुशगवार और वक्त के साथ बहुत मौसर लगता है। इस तरीके में किताब मुक़दस की इब्रानी का तलफ़ुज़ और ग्रामर, दोहराई और अमली मश्क के ज़रिए आपकी अरसा दराज की याददाश्त में नासर कायम कर लेंगे। हमारी वीडियोस में हम आपको फितरती तौर पर इब्रानी के ज़खीरा अल्फाज और ग्रामर को सिखाने के बाद हरूफ़ तहज्जी से मुतारिफ़ करवाएंगे। हमारी कोशिश है कि तस्वीरों और सियाक व सबाक के साथ चीज़ों को हर मुमकिन हद तक वाज़े करें। अगर शुरू में आपको सब बेगाना सा लगे तो हैरत ज़दा ना हो, ऐसा होता है। हो सकता है कि आपको दोबारा छोटे बच्चे सा महसूस हो जो ये जानने की कोशिश करता है कि ये सब क्या हो रहा है। ये सब कुछ बहुत से लोगों को गैर मुतमिन कर देता है, लेकिन अगर आप साबित कदम रहते हैं और वीडियोस को बार बार देखते हैं तो जल्द ही एक मौसर तरीके से ज़ुबान समझना और अपनाना शुरू कर देंगे। तलफ़ुज़ और साख्तियाती लसानियात आपकी ज़ात का हिस्सा बन जाएंगे। कुछ तजावीज़ उनके लिए जो किताब मुक़दस की इब्रानी ज़ुबान को सीखना चाहते हैं। हमारी तजवीज़ आपके लिए ये है कि आप इन ज़खीरा अल्फाज और फ़िकरात को बुलंद आवाज़ में बोलें, क्योंकि ये आपकी मदद करेगा और आखिरकार आप इब्रानी समझने, पढ़ने और बोलने के काबिल हो जाएंगे। आलमगीर कलीसिया और किताब मुक़दस के तर्जमाकारों को किताब मुक़दस की इब्रानी सिखाने और सहाइफ़ की समझ में बढ़ाने के लिए हमने एक मुफ्त वीडियोस का नसाब तैयार किया है। इस नसाब में अलिफ फ़ित किताब मुक़दस की इब्रानी को किताब मुक़दस की इब्रानी से सिखाते हैं। यही वजह है कि आप हमारी मुफ्त वीडियोस में अंग्रेज़ी या किसी दूसरी ज़ुबान का इस्तेमाल नहीं देखेंगे, इसलिए किसी भी ज़ुबान से ताल्लुक़ रखने वाला तालिब इल्म इससे मुस्तफ़ीद हो सकता है। हमारा मकसद ये है कि इब्रानी आपकी ज़ात का इस तरह से हिस्सा बने कि आप ना ख़त्म होने वाले ग्रामर के कवायद व ज़वाबत और ज़खीरा अल्फाज को याद करने की बजाय इस ज़ुबान को जी सकें। आप हमारी वीडियोस को देखते हुए मरहलावार इब्रानी को सीख सकते हैं, या आप अपने इल्म और समझ को बेहतर बनाने के लिए हमारी वीडियोस को किसी रवायती ग्रामर के निसाब के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप ज़ुबान को अपना सकें। कुछ निसाबी वीडियोस को देखने के बाद सवालनामे की वीडियोस को देखना ना भूलें, क्योंकि ये आपको मौका फ्राहम करेंगी कि आप ज़ुबान को बुलंद आवाज़ में बोलने की मशक कर सकें और अपना तज़िया कर सकें। हो सकता है कि आपको ये जानकर हैरत हो कि कुछ ही वीडियोस देखने के बाद आपने इतना सीख लिया है कि आप सवालनामे के तमाम अल्फाज का अपनी याददाश्त से जवाब दे सकें, तो ये बहुत उमदा बात है। लेकिन अगर फिर भी आपको ज़खीरा अल्फाज याद ना हो तो परेशान ना हो। सबसे अहम बात यह है कि अब आपको सुनाई देने वाले अल्फाज की पहचान और समझ है, समझने की सलाहियत कामयाबी है। इस बात का ध्यान रखें कि आप तरतीब वार तमाम वीडियोस को देखें, क्योंकि हमने हर सबक उससे पिछले सबक की नींव पर तैयार किया है, इस सोच से कि आपको पिछली वीडियोस के ज़खीरा अल्फाज और ग्रामर से वाकफियत है। अब हम आपको किताब मुक़दस की इब्रानी के इस सफ़र में शामिल होने की दावत देते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपसे आने वाली वीडियोस के इस वक्त छूट ना जाएं। और बराए मेहरबानी इन वीडियोस को उन दोस्तों से लाजमी शेयर करें जो किताब मुक़दस की इब्रानी ज़ुबान को सीखना चाहते हैं। शालोम।